पापा सच सच बताओ, सोरन आंटी से आपका क्या रिश्ता है? सोरन आंटी आपके लिए क्या लगती है? सोरन मेरी दोस्त है। मेरे सर पर हाथ रख के कसम खाओ, आंखों में देखकर बोलो, सोरन आंटी आपकी सिर्फ दोस्त है। सोरन बचपन की दोस्त है मेरी और बहुत गहरी दोस्ती हमारी। और तो साथ में बड़े हुए हैं। तो पापा जी पूरी तरह से आप कब बड़े होंगे? दोस्त बन के रहो ना, ये चौकीदारी रखवाली क्यों कर रहे हो? क्यों रह क्यों रहे हो आप यहाँ पे? ओए कब समझेगी तू? ओए स्वरण समझ जा, संभल जा, कहीं बहुत देर ना हो जाए। अभी मौका है, सोच ले। और कभी कभी चीजों को हद में रखने के लिए हद से बाहर जाना पड़ता है। तो अपने लोगों की खुशियों को कुचलकर, अपनों का दिल तोड़कर। तूने नहीं तोड़ा हमारा दिल, हैं? तूने जो हरकत करी उससे हमें तकलीफ नहीं पहुंची। तेनु पता है मीरा और सुरन का क्या हाल हुआ? ओ ये कैसी दोस्ती है, कैसा वादा है, जिसकी दुहाई देते तुम दोनों थकते नहीं हो, और जिसकी वजह से तेरा बेटा विक्रम तुझसे दूर जा रहा है, जिसकी वजह से दिव्या ने अपनी सारी हदें पार कर दी। वो इस दोस्ती और वादे की वजह से तुम कितनों के घर तोड़ोगी, कितनों के दिल तोड़ोगी तुम? पापा आपको स्वरण आंटी की इतनी फिक्र क्यों है? उनके लिए आपने अपने परिवार को, अपने बच्चों को दांव पर लगा दिया है। क्यों पापा, क्यों स्वरण आंटी आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई है? पापा प्लीज बोलो आपका क्या रिश्ता है? पापा बोलो, चुप क्यों? पापा आपकी बेटी हूं आपका। क्योंकि स्वरण से प्यार करता हूं मैं। सोरन कल भी मेरा प्यार था, आज भी है और हमेशा रहेगा। कुछ बातें दिल दिमाग दुनिया रब से भी परे होती है, जो रूह से जुड़ी होती है। जब हम आखिरी सांस लेते हैं ना, तभी खत्म होती है। तो तुम सब मेरी जड़ हो, मेरा सब कुछ हो। लेकिन सुना, वो मुझे मेरे होने का एहसास कराती है, खुद को महसूस करने का जरिया है वो। अजीब, मैंने वो भी अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं अजी, लेकिन कहूंगी, रहना पड़ेगा। क्या कहना चाहते हैं सोरन आंटी पापा जी से? कहीं वो भी तो ये कहने नहीं आई कि वो भी। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूं। अब तो यहां नहीं रह सकता जी, तुझे यहां से जाना होगा।
सोनम, कुछ बातें मुके भी नहीं होती, सच सच और झूठ की नहीं है जी, बात सही और गलत भी है। और अब तेरा यहाँ रहना गलत है। प्लीज अजी जा यहाँ से। मैं भी फैसला कर लिया है, अब तू यहाँ नहीं रहेगा। अरे नकुल, इसमें सोचने वाली बात क्या है? It makes a perfect sense. हाँ किरण, लेकिन अचानक से हमारे US वाले घर को खरीदने के लिए बायर्स कहाँ से आ गए? हमारी एजेंट कैथरीन, उसका कॉल आया था मुझे, तो उसी ने बताया कि घर के लिए काफी अच्छे प्रपोजल्स आ रखे हैं। और ये तुमसे किसने कहा कि हम US वाला घर बेचना चाहते हैं? नकुल, तो और क्या करेंगे? आई मीन, तुम्हारे पास जॉब भी नहीं है और मम्मी जी का बिजनेस तो टेक ऑफ कर रहा है ना। पापा की जॉब नहीं है अभी। अरु कुछ नहीं सी नकुल, अगर हमारा घर बिक गया, जो पैसा आएगा वो कुछ हम अपने पास रख लेंगे और कुछ स्वर्ण निखार में इन्वेस्ट भी तो कर सकते हैं ना। हाँ किरण, लेकिन नकुल, हम सब संभाल लेंगे ना, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? ठीक है किरण। I want a power man suit for my birthday. आप लाओगे पापा? Oh, I'm so sorry बेटा, so sorry. मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मेरे बेटे का बर्थडे, पक्का लेके आऊंगा। ओए सीट बेल्ट बांध लो, प्लेन लैंड होने वाला है। क्या बोल रही हो मम्मा? अरे वो हवा में उड़ता था ना ढाबे वाला, बेबे ने उसका प्लेन लैंड कर दिया है और स्वरण घर छोड़ के जा रहे बाहर। क्या अजीत अंकल जा रहे हैं यहाँ से? शांति, आपको पता है हमारा प्लेन टेक ऑफ कर गया है। नकुल मान गया जाने के लिए। हारो बेटा, बाहर जाओ, चलो। हाँ, जाओ, खेलो जाके बाहर, ठीक है? खेलो। अजीत से मैंने बात की बेबे, और हम क्या सुन रहा हूँ मैं, आप जा रहे हैं अंकल? पर क्यों? क्योंकि अब इन्हें जाना चाहिए। मैं नहीं चाहूंगी कि जिसे मैं दोस्ती समझती हूँ उसे कुछ और समझा जाए। कहीं स्वरण सबके सामने ना बोल दे। अजीत, हमारी दोस्ती हमारे लिए क्या मायने रखती है ये हम जानते हैं, लेकिन हमारे बच्चे हर चीज से ज्यादा मायने रखते हैं हमारे लिए। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ वो गलत होकर भी इतना गलत नहीं हुआ जिसकी भरपाई ना हो सके, पर हर बार हमें ये भरपाई का मौका मिले ये जरूरी नहीं है। आज हम संभल सकते हैं, कल शायद ना संभले अजीत, इसलिए आज ही जरूरी है कि अजीत अपने कदम वापस मोड़ ले। अपने बच्चों की खुशी और सलामती के लिए आज अजीत को अपने घर जाना होगा, है ना जी? बस यही बात है क्या समान? हाँ जी, बच्चों से बढ़कर और क्या हो सकता है, हमारे बच्चे ही तो सब कुछ है हमारे लिए। इसका मतलब स्वरण ने कुछ नहीं सुना? ओ रब्बा तेरा शुक्र है, मैंने अपना दोस्त नहीं खोया। एक बात और है, बेबी साहब ने भी अजीत में एक सच्चा दोस्त देखा, इसीलिए अजीत पे भरोसा करके उसे लीगल गार्जियन का हक दिया। इस हक को मैं कभी वापस नहीं लूंगी, नहीं ले सकती हूँ, इसलिए अजीत
बेदी साहब की वसीयत में तुम्हारा नाम और मेरे दिल में हमारी दोस्ती हमेशा रहेगी। मैंने भी उस भरोसे का मान हमेशा रखा है और रखूंगा। तुम कभी भी कोई भी जरूरत पड़े ना, फोन कर लूंगी मैं तुझे, पर कोशिश करूंगी कि ऐसी नौबत ना आए। मैं अच्छा भेजी, चलने का टाइम हो गया। मेरी किसी बात से आपका दिल दुखा हो माफ कर देना। मुझे गलत मत समझना अजीत, मैं तुझसे नफरत नहीं करती हूँ। खैर अब जो चाहिए था वो सब हो रहा है, तो कुछ कहने सुनने की गुंजाइश ही नहीं है। बीजी मैंने नहीं पता कि जो हो रहा है वो सही है कि गलत, लेकिन एक बात है, अगर उसे मेरी कभी भी जरूरत पड़ी तो मैं वापस आऊंगा। आप जा रहे हो अजीत अंकल, आपकी वो सुड़की वाली चाय बहुत मिस करूंगी। कोई नहीं पुत्र, अपनी आंटी जी का ख्याल रखना। अंकल जी मुझे भी आपको थैंक यू बोलना है, आपने मम्मा का साथ तब दिया जब हम में से कोई भी उनके साथ नहीं था, मुझे मेरी गलती का एहसास भी करवाया। मगर आपको अब कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं मम्मा का साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। जी अंकल आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं मम्मी के साथ हमेशा रहूंगा। मना मत करना, मेरे जान तो बात है, संभाल लेना। वादा रहा वेदी साहब, निभाऊंगा। पता नहीं अपना वादा कितना निभा पाया मैं, लेकिन आपकी बातें आपकी सीख और मेरे साथ नैना आपकी मीठी चुरी को अपने पैरों पे खड़ा होना सिखा दिया। अब आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आज मैं यहां से जा रहा हूं कमल जी, लेकिन आपको दिए हुए वादे के दायरे में अब भी हूं और हमेशा रहूंगा। जब भी सुरन को मेरी जरूरत पड़ेगी ना, यहीं खड़ा मिलूंगा मैं। शायद अंकल जी भी यही चाहते हैं कि आप यहां से ना जाओ। तेरे अंकल जी यही चाहते हैं कि ये यहां से जाए। तो हमेशा कुछ ना कुछ ले ही आता था ढाबे से, लड्डू है तुझे और दीवी को भी पसंद है ना, वो खाली डब्बा तो नहीं दे सकती ना मैं। ले हाँ। पापा चले। हाँ मैंने माफ कर देना सुरन, अगर गलती से भी कोई गलती कर दी हो या फर्ज निभाते निभाते
तेरे पर हक जता दिया हो तो। सत श्री अकाल पुत्र, कैसा है तू? ठीक हूँ। और मैंने एक बात बता, अब तू अपने डी के लिए पावर मैन बन के रहेगा ना, प्रॉमिस कर मुझे। यस। कल तो मेरा बर्थडे है, आप जा रहे हो? आप कल आओगे ना? ओह हाँ, मैं आऊंगा। पावर मैन के बर्थडे पे तो आना ही पड़ेगा ना। स्वर्ण के लिए मेरा प्यार एक इबादत है, जिसमें कोई चाह कोई ख्वाहिश नहीं। एक बड़ा ही मासूम, बड़ा ही पवित्र एहसास है पुत्र, और ये एहसास मेरे दिल के किसी कोने में जिंदगी भर पड़ा रहेगा। बस जा, मुझे नहीं तुझसे बात करनी। अरे गुस्सा क्यों कर रही है यार? मैं तो मजाक कर रहा था। अब तुझे छोड़ के थोड़ी जाऊंगा कहीं मैं। गुस्सा ना कर। अगली बार अगर ऐसा किया ना तो फिर देखियो क्या करेगी। बात नहीं करूंगी कभी तुझसे। देख देख कान पकड़ता हूँ, पर आज के बाद ये बात ना करने वाली सजा मत देना। तो फिर वादा कर, मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा? कभी नहीं। अगर मैं कहूँ तो भी नहीं जाएगा? पक्की बात? पक्की बात। चल क्या पापा स्वर्ण आंटी के बारे में सोच रहे हैं? देवी पुत्र, मैंनू पता है कि अपने जिस पापा जी के प्यार का एक तिनका भी तू किसी और के साथ नहीं बांटना चाहती। आज उसके मुंह से ये बात सुन के तेनू कैसा लग रहा होगा? मैनू माफ कर दे पुत्र, स्वर्ण मेरे लिए क्या है उसके लिए मैं अब भी लफ्ज ढूंढ रहा हूं। मिल गए तो शायद मैं तेनू समझा पाऊं।